बच्चों, आज जो इस वीडियो लेसन के तहत जिस पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी अंतराल पुस्तक का चौथा और आखिरी पाठ है, जिसका क्या नाम है? अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में। क्या कहते हैं, इसके लेखक कौन हैं? प्रभाष जोशी। अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में जो पाठ है वह जनसत्ता में 1 अक्टूबर 2006 के कागत कोरे स्तंभ से लिया गया है। ये जो पाठ है एक निबंध है जो कहाँ छपा था, जनसत्ता में। वहाँ से लेकर इसे आपकी पाठ्य पुस्तक का एक हिस्सा बनाया गया है, एक अंग बनाया गया है। इस पाठ में लेखक ने मालवा प्रदेश की मिट्टी, वर्षा, नदियों की स्थिति, उद्गम एवं विस्तार तथा वहाँ के जनजीवन एवं संस्कृति को चित्रित किया है। पहले की मालवा, मालव धरती गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर। क्या मतलब हुआ? डग डग रोटी मतलब हर रास्ते पर रोटी, मतलब अनाज, मतलब की स्थिति थी, मतलब कोई भूखा नहीं घूम रहा होता था। और पग पग पर नीर मतलब पानी बहता था, मतलब खुशहाली थी, किसी तरह की वंचना से वह ग्रस्त नहीं था। हर जगह मतलब हरियाली खुशहाली दिखती थी। आपके मालवा नदी नाले सूख गए, पग पग नीर वाला मालवा सूखा हो गया। स्थितियां देखिए किस प्रकार बदली हैं। यह समसामायिक कह सकते हैं जो स्थिति है उसको व्यक्त करता है यह पाठ आपका, जिसमें बताया गया कि किस तरह से स्थितियां परिवर्तित हुई और जो क्षेत्र खुशहाली हरियाली या कलकल बहती नदियों या उस पानी से पूरी तरह से भरा पूरा था, आज वह कैसा हो गया है? वह आज खाऊ उजाड़ू हो गया है, उजाड़ हो गया है। वहाँ सूखा है, पानी को तरसते लोग हैं। वो कहते हैं, अपनी सुख समृद्धि के लिए जो मालवा संपन्नता के लिए विख्यात था, वही आज क्या हो गया है? बिल्कुल उजाड़ू सभ्यता में फंसकर उलझ गया है। यह खाओ उजाड़ू सभ्यता यूरोप और अमेरिका की देन है। क्यों कहा ऐसा? आपको कहीं कुछ याद आया इस शब्द से? यूरोप और अमेरिका की देन है, मतलब एक प्रगति की दौर में हम चल रहे हैं। हम प्रगतिवादी बनने के कारण या हम प्रगतिशील तीव्रता से प्रगति करने के कारण हम बहुत सारी अपनी प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ करते हैं उसका नतीजा है यह उजाड़ू सभ्यता। आपने पढ़ा है अपने अंतरा में जहाँ कोई वापसी नहीं। कहीं ना कहीं यह पाठ उससे संबंधित है। वहाँ भी एक समस्या को उठाया गया है, वहाँ उस क्षेत्र की प्रकृति या फिर उस क्षेत्र की जो समस्याओं से बढ़कर जो बड़ी समस्या दिखी है, वहाँ पलायन की समस्या दिखी है और उन्होंने पलायन को दर्शाया है। यहाँ पर आप देखें, प्रकृति जो उस क्षेत्र को संपन्न बना रही थी, जो सारे क्षेत्रों से अलग करते हुए उसकी संपन्नता के कारण उसके महत्व को लोगों के बीच प्रतिपादित कर रही थी, आज वही सभ्यता उजाड़ू हो गई। कारण, एक नवीनता की चाह। अमेरिका यूरोप के आधार पर अपना एक ढांचा बनाने, निर्मित करने का की लालसा, जिसके कारण विकास के औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की अपसभ्यता बन गई। हम कहते हैं ना कि नदियों को मोड़ दो, उनकी धारा अलग प्रवाहित करती है, कि हर नदी का, हर चीज़ का अपना महत्व है। कहाँ कौन सी नदी डेल्टा बनाएगी, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, आप भूगोल के विद्यार्थी हैं, आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, तो आप सभी को हर नदी का, हर वनस्पति का भली भांति ज्ञान है। अगर उस वनस्पति या उस जल जो के स्रोत हैं
उनको उनकी प्राकृतिक गति से विमुख किया जाएगा तो वह पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं, या तो बर्बाद होंगे या पूरा सब स्थितियां बेकार कर देंगे। इससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई है, पर्यावरण बिगड़ा है। एक बहुत बड़े कह सकते समस्या को यह पाठ लेकर चलता है। ठीक है, आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।